नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति प्रकाश दाधीच हाजिर हूँ फिर एक ऑफिसर की कामयाबी की कहानी लेकर। एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद अक्सर लोग उसी में जिंदगी बिता देते हैं, मगर इस शख्स की कहानी सबसे जुदा और प्रेरित करने वाली है। यह कई साल तक अपने लक्ष्य का पीछा करता रहा। 6 साल में 12 बार सरकारी नौकरी लगी, हर बार नौकरी छोड़ता गया और आखिर में IPS बनकर ही माना। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसी कई और सक्सेस स्टोरियां ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं दी ऑफिसर्स। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा दिमाग में एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे किसी मैगजीन के कवर पेज पे आना है। मुझे भी जीवन में उसी दिन खुशी हुई कि इस बार जब PD के ऊपर सब जगह पर मुझे कवर पेज के ऊपर है वो जगह मिली। ऐसी चीज हमेशा ध्यान रखना कि मुझे क्रॉनिकल, PD सब जगह कवर पेज पे मिला और आज क्रॉनिकल पे प्रेम सुख डेलू के नाम से या यूट्यूब के ऊपर अनेक वीडियो चलते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। आप भी अपने जीवन में ऐसे टारगेट रखना और हमेशा युवाओं को है वो प्रेरणा देते रहना। कभी सिलेक्शन होने के बाद में ये मत कहना कि एग्जाम बड़ा हार्ड है, हमेशा ये कहना बहुत इजी है और यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी एग्जाम है वो कर सकते हो। पटवारी से IPS बनने तक का सफर तय करने वाला यह शख्स राजस्थान के बीकानेर का प्रेम सुख डेलू है। यह मेहनत की मिसाल और कामयाबी का दूसरा नाम है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के गांव राशिसर में 3 अप्रैल 1988 को पैदा हुए प्रेम सुख डेलू की सफलता का अंदाजा इससे सहज लगाया जा सकता है कि 6 साल में ये 12 बार सरकारी नौकरी लग चुके हैं, जबकि सरकारी नौकरियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक बार भी चयन होना आसान बात नहीं है। गुजरात केडर के IPS प्रेम सुख डेलू वर्तमान में SP के पद पर तैनात हैं। इनकी सरकारी नौकरी लगने का सिलसिला वर्ष 2010 में शुरू हुआ। सबसे पहली सरकारी नौकरी बीकानेर जिले में पटवारी के रूप में लगी। 2 साल तक बतौर पटवारी के पद पर काम किया, मगर दिल में कुछ बड़ा करने की चाह थी, इसलिए पढ़ाई और मेहनत जारी रखी। पटवारी पद पर रहते हुए कई अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं भी थी। फिर ग्राम सेवक परीक्षा में राजस्थान में 2री रैंक हासिल की, मगर ग्राम सेवक पद ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसी दौरान राजस्थान असिस्टेंट जेल परीक्षा का परिणाम आ गया और इसमें प्रेम सुख डेलू ने पूरे राजस्थान में टॉप किया था। असिस्टेंट जेलर के रूप में ज्वाइन करते उससे पहले राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हो गया। प्रेम सुख डेलू ने राजस्थान पुलिस में SI के पद पर भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसी दौरान इनका स्कूल व्याख्याता के रूप में चयन हो गया, तो पुलिस महकमे की बजाय शिक्षा विभाग की नौकरी को चुना। इसके बाद तहसीलदार के रूप में भी सरकारी नौकरी लगी। कई विभागों में 6 साल की अवधि में कई बार सरकारी नौकरी लगने के बाद भी प्रेम सुख ने मेहनत जारी रखी और सिविल सेवा परीक्षा 2015 में 170वीं रैंक प्राप्त की और हिंदी माध्यम के साथ सफल उम्मीदवार के रूप में तृतीय स्थान पर रहे। प्रेम सुख बताते हैं कि उनका बचपन गरीबी में गुजरा और पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई। किसान पिता ऊंट गाड़ी चलाते थे। प्रेम सुख कहते हैं कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, मगर मुझे पढ़ने लिखने का भरपूर अवसर देकर काबिल बना दिया। 4 भाई बहनों में ये सबसे छोटे हैं। इनका बड़ा भाई पुलिस कांस्टेबल है। दोस्तों, आपको प्रेम सुख डेलू की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।